और अब बात एक नए राजनीतिक शगुफे का, जो कि चुनाव से पहले हर ओर छा चुका है पिछले 24 घंटों के अंदर। इंडिया गठबंधन पर फिर सनातन विरोधी बयानबाजी का आरोप लगा। ठाकुर का कुआं इस नाम की कविता पर सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यह कविता, ठाकुर का कुआं कविता, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने 6 दिन पहले राज्यसभा के अंदर पढ़ी। अब यह मुद्दा ठाकुरों के अपमान का बना दिया गया। बीजेपी के एक विधायक ने यहां तक कह दिया कि अगर मैं वहां मौजूद होता तो उनका मुंह तोड़ देता। खुद आरजेडी में इस पर कोहराम। अरे, कहा यह भी जा रहा है कि मनोज झा ने भाषण शुरू करने से पहले यह डिस्क्लेमर दिया था कि इसका किसी जाति से कोई संबंध नहीं। फिर भी कोहराम। वजह क्या है इस रिपोर्ट में? पूरे भारत में जब हो रही है सनातन की जय जयकार, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है, जब पूरी दुनिया सनातन के आगे सिर झुका रही है, भारत की संस्कृति और समाज की एकता को सलाम कर रही है, ठीक ऐसे वक्त में सनातन समाज को जातियों के नाम पर आपस में भिड़ाने का काम शुरू हो चुका है, नया खेल शुरू हो चुका है। विवाद की जड़ में है संसद में दिया गया एक भाषण जो अब वायरल है। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। मेरे सामने इस तरह का कोई बयानबाजी करता तो मैं उसका मुंह तोड़ने का काम करता। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाए और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहे। बिहार की तरतीब पर हमारे 8 अक्टूबर को और ऐसे व्यक्ति को बकायदा मुंह तोड़ जवाब देंगे। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान आरजेडी के सांसद मनोज झा ने 21 सितंबर को ये भाषण दिया और इसी दौरान ये सब कहा। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। दरअसल मनोज झा ने चर्चा के दौरान दलित विमर्श के कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी और ये हिस्सा वायरल हो गया। सनातन की एकता की बात करने वाले लोगों को ये बात चुभ गई, वो नाराज हो गए। देश भर में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी के एक विधायक ने ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली। मेरे सामने इस तरह का कोई बयानबाजी करता तो मैं उसका मुंह तोड़ने का काम करता। मैं स्पष्ट तौर पर संदेश देना चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, अन्यथा ईंट से ईंट बज जाएगा आरजेडी का। आरजेडी पर बीजेपी के भड़कने की एक बड़ी वजह आरजेडी की ये तारीफ है। पार्टी के आधिकारिक हैंडल से मनोज झा के विवादित भाषण को टैग किया गया, ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर मनोज झा जी का विशेष सत्र के दौरान दिया गया दमदार, शानदार और जानदार भाषण। इसके बाद बीजेपी तो उन पर भड़की, खुद आरजेडी के भीतर से मनोज झा घिर गए। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने सीधा हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर चेतन ने लिखा, हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर चलते हैं, इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलेपन के अलावा कुछ नहीं। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाए और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहे। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में, एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने मोर्चा संभाला। आनंद मोहन ठाकुर समाज के बड़े नेताओं में एक है। अप्रैल में आनंद मोहन को डीएम कृष्णैया हत्याकांड में 16 साल बाद जेल से रिहा किया गया। तब नीतीश तेजस्वी सरकार की खूब आलोचना हुई, लेकिन अब आनंद मोहन आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर बिफर उठे। आनंद मोहन बंदूक उठाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ जंग लड़ा। अगर मैं उस वक्त राज्यसभा में होता तो ठाकुरों पर टिप्पणी करने वालों की जीभ खींचकर आसन की तरफ उछाल दे। यह अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, हम जिंदा कौम के लोग हैं। क्षत्रिय समाज के संगठन श्री राजपूत कर्णी सेना ने मोर्चा खोल दिया। संगठन के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ा ने कहा कि यह सनातन पर हमला करने वाली वही भाषा है जो डीएम के नेता स्टालिन इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए अब बिहार पहुंचकर हिसाब करेंगे।
मैं मनोज झा जैसे जहरीले व्यक्तियों को लिए बोलना चाह रहा हूं, ऐसी जहरीली मानसिकता के व्यक्तियों का विरोध होना चाहिए। ये राज्यसभा से जा सकते, इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है, चुन के जाए। विरोध का बवंडर खड़ा हुआ, जेडीयू के अंदर हलचल मच गई। पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने मनोज झा पर तीखा हमला बोल दिया, अपना सर्वस्व गंवा दिया और आज आक्रांताओं से भिड़ने में जो ठाकुरों का योगदान है किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में आप कहीं कोई दुबई फंडेड फिल्म को देखकर अपनी धारणा करें और नकारात्मक पिक्चर करें तो ये उचित नहीं है। जेडीयू मनोज झा से माफी की मांग कर रही है तो बीजेपी का कहना ये कि सारी साजिश लालू प्रसाद यादव ने रची है। जहां तक ठाकुर का सवाल उठा रहे हैं कि हमको अपने अंदर का ठाकुर मारना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? ठाकुर का क्या मतलब, आप कहते हैं कि हमको अपने अंदर का रावण मारना चाहिए, हमको अपने अंदर का राक्षस मारना चाहिए, तो ये गलत बयाने कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ठाकुर है तो ये हिंदुस्तान सही सलामत है, अगर ठाकुर नहीं होते तो इस देश पे मुसलमानों का कब्जा होता, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान होता। जब विवाद बढ़ा तो मनोज झा के एक समर्थक के ट्वीट को रीट्वीट किया गया जिसमें लिखा कि अफवाह उड़ी कि कुआ कान ले गया, कुछ लोग कुएं को मारने दौड़ पड़े, उनमें से किसी ने कान देखने की तकलीफ नहीं उठाई। सफाई है कि संसद में कविता पढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दिया गया कि किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं। अब मनोज झा ने राज्यसभा में क्या कहा वो जरा सुन। एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं। भले ही मनोज झा ने डिस्क्लेमर दिया लेकिन उनके लिए ठाकुर विवाद पर अपनी बात पर कायम रहना एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।